तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है, आपने ये जानना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये किसके बराबर होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक परचेजेस में पहले ही हमने ऐड कर दिए और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हमने माइनस कर दिए, तो इसको हम एडजस्टेड परचेजेस के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं हम एडजस्टेड परचेजेस के नाम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमने परचेजेस में पहले ही ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस कर दिया। तो हमने क्या करना है, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को अपेयर नहीं करना है। दैट मीन्स कि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। और कौन सी साइड आएगा, ये हमेशा डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हमने ऑलरेडी ऐड किया है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे माइनस किया है, तो इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस में ये कौन सी साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड में। और जो एडजस्टेड परचेजेस होगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आएंगे। कौन सी साइड आएंगे, डेबिट साइड में। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ उषा भूटानी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31, 2018। ओपनिंग स्टॉक दिए 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए 1,50,000, डेटर्स दिए 60,000, क्रेडिटर्स दिए 30,000, फिक्स एसेट्स दिए 50,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेना है डेबिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लेना है, डेबिट साइड में। और जो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट है, इसमें क्या करनी है, ट्रायल बैलेंस में हमने नहीं लेना है। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट आ गई इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 1,50,000, तो ये डेबिट में आता है, मैंने अभी आपको बताया। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट्स हैं, तो एसेट्स कहाँ आती हैं, डेबिट में, ये भी आ गया। डेटर्स के बाद दिए थे वहाँ पे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर क्या, हमारी लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ कौन सी साइड आती है, क्रेडिट में, ये आ गया। क्रेडिटर्स के बाद आ गए फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स हमारी एसेट्स हैं, तो जो हमारी एसेट्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, डेबिट में, और इसका अमाउंट कितना दिया है, 50,000। अब इसके बाद आ गया हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया 20,000 अमाउंट। फिर इसके बाद सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्रेडिट साइड में, रेवेन्यू के बाद आ गया हमारे पास कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटीज होती है, जो इंटरनल लाइबिलिटीज होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड आती है, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने आज अभी आपको सिखाया कि जो एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लेना है डेबिट साइड में और अमाउंट लिखनी है यहाँ पे 40,000। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट में लिया और क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट में ले लेना है। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल,
ये आ गया 30, 2,30,000, 3,20,000, 150, 210, 260, 280, 320। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों सेम। तो ये थी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एडजस्टेड परचेजेस। तो क्या सिखाया इसमें कि जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेस दिया गया हो तो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेस दिया गया हो ये किसके बराबर होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने क्या करना है, जो ओपनिंग स्टॉक होगा इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं बताना है, लेकिन जो परचेजेस होगा इसको आपने डेबिट में बता दिया एडजस्टेड परचेजेस को, और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ बताना आपने, डेबिट साइड में, ये ऑलरेडी ऐड किया होता है। तो ये था आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्टेड परचेजेस।